रुक करेंगे अगली खबर का। बॉलीवुड में ड्रग्स पर घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि रवि किशन के सवाल का जया बच्चन के पलटवार के बाद बॉलीवुड बट गया है। एक खेमा मानता है कि ड्रग्स की बात बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए की जा रही है, तो दूसरा खेमा कहता है ड्रग्स की गंदगी को साफ करने के लिए थाली में छेद करना जरूरी है। ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। अगर थाली में मेरे देश के युवा खत्म होंगे तो यस, मैं इस थाली को छेद करूंगा। ड्रग्स पर बॉलीवुड में स्टार वॉर, बॉलीवुड की बदनामी पर आर पार। ड्रग्स मंडली की पूरी कुंडली जब खुलेगी तब खुलेगी। नकाबपोश नशेड़ी सितारे बेपर्दा जब होंगे तब होंगे, लेकिन उससे पहले अपनी बातों और बयानों से बेपर्दा हो चला है बॉलीवुड। जया बच्चन ने संसद में मंगलवार को वार किया, कंगना ने पलटवार किया, लेकिन बातें कहीं नहीं थमी। एक और सुबह हुई, कंगना को कुछ और ख्याल आए और उन्होंने जया बच्चन पर खुला हमला बोल दिया। कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिला था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों ने सजाई है। मेरी थाली है जया जी, आपकी नहीं। जया बच्चन की बातें कंगना के दिल पर लगी हैं, इतनी गहरी कि उन्होंने सम्मान और अपमान की सारी हदें तोड़ दी। जया जी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को मारा जाता, ड्रग्स दिए जाते, उसका शोषण किया जाता, तब भी आप यही कहती? अगर अभिषेक को धमकाया जाता, उन्हें लगातार परेशान किया जाता और एक दिन वो फंदे से लटके पाए जाते, तो भी आप यही कहती? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। वैसे तो आप वाकिफ हैं, फिर भी ये बताते चलना जरूरी है कि जया बच्चन ने पहले बीजेपी सांसद रवि किशन को घेरा और फिर बोलते बोलते कंगना पर आई और उनकी कलाई उतारने की कोशिश की। पूरा बयान आपने सुना है, बस वो हिस्सा सुनाते चलते हैं जिसे सुन इस क्वीन ने बच्चन परिवार से पंगा ले लिया। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। जया बच्चन की बातों का असर हुआ, बॉलीवुड की बड़ी लॉबी उनके समर्थन में कूद गई। शिवसेना ने सामना में लेख लिखकर उनकी वाहवाही की। ये बातें कंगना को और चुभी। एलएसी वाली स्थिति यहाँ भी है, मतलब मामला तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। कुछ और बयान आए तो शोले और भड़केंगे। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।